यहाँ से कितनी है? ये है इतना छोटा मुहाना जी, बस यही है। इधर छोटा सा कुंड है सर, छोटा कुंड। अच्छा आप अंदर घुस गए इसके जी। क्या नाम है आपका? दीपक रावत। सबसे पहले गुफा आपने ही ढूंढी ना? कैसे ढूंढी, आप क्यों जा रहे थे वहाँ पे? ऐसे घूमने गए थे लॉकडाउन में ना सब लोग। अभी तो आप पूरे स्कंद पुराण की गुफाएं अगर 21 ढूंढनी है तो एक गिनना पड़ेगा ना। टोटल अभी इतनी ढूंढ ली हमने, 12 आ गई है, 12 है, 12 प्रकाश मार्ग, तो यानी कि 9 और ढूंढनी है। 8 मंजिला गुफा मिली है, उसका तो नाम है नहीं, तो उसको हमने सर उसको आपने क्या नाम दिया? अभी महाकालेश्वर, कालिका की नजदीक महाकालेश्वर दिया, महाकालेश्वर। तो ये कहां रुक गए सर? यही है, पहुंच गए। यस सर, जी सर। यहाँ से कितनी है? ये है इतना छोटा मुहाना जी, बस यही है, बस यही है मेन मुहाना। फिर उसके बाद पूरी खुली है, ये वाला पत्थर हट जाए ना, क्यों हटाना है उसको? नहीं वो जाने के लिए इजी हो जाएगा। इससे कौन घुसा अंदर? इससे हम लोग, ये लोग गए थे तो फिर हम लोग गए उसके बाद। अच्छा वो लोग चले गए सर अभी तक तो। आप ये सोच रहे होगा ऐसे लंबा है, ऐसे लंबा नहीं है, यहीं पे पांव अंदर जाते ही खुल जाएगा, पूरा खुल जाता है, खुल जाएगा। ये है छोटा सा पूरा, हां ये रखो, इधर से अंदर जाके इनको टॉर्च भी दे दो उनको भाई जी। टॉर्च द ओनली द एंट्रेंस इज डिफिकल्ट बट ये अच्छी एडवेंचर एक्टिविटी हो सकती है। ये अब इसके अंदर से बढ़िया बढ़िया ठहरा यार ये। हां सबका यही है फॉर्मेशन। ये आ गए हम दूसरे तल पे। ये कुंड कहाँ पे? इसके अंदर ऊपर चढ़ने पे 100 मीटर ऊपर जाना है। नहीं सर, कुंड देखेंगे। यहाँ से नीचे का रास्ता है, एक तल नीचे जाता है, ये है वहां जाने का रास्ता। ये कुंड है ना जी सर? एक ये है, एक ऊपर हुआ है, एक ये कुंड, ये नीचे वाला कुंड है। अच्छा आप अंदर घुस गए इसके? जी सर, बस बचपन से सर। ये दूसरा कुंड है ना? हाँ, इसके पतल में पतल में तो नीचे उतरना होता है, ड्रिप कर रहा है कैल्शियम। कुंड में कितना पानी है? सर कंफर्टेबली आ सकते हैं सर, छोटा सा कुंड है सर, छोटा कुंड है, पंखे नहीं तो भरा रहता है, तो अभी गर्मी में बहुत कम पानी रहेगा जी। हाँ ये दोस्त तीसरा तल आ गया, ऊपर चढ़ सकते हो आप, इधर से जा सकते हो, तभी तो 8 मंजिला है। इसके आप पीछे जा सकते हैं अभी, उसके पीछे, इसके इधर जा सकते हैं, निकल जाइए। सब मिट्टी उससे हो रखी, नहीं तो इतना ऊंचा थोड़ी होता है, तो बहुत ही गहरा होता है। क्या अच्छी आवाज है। तो अगर सर हमें कुछ उपकरण मिल जाए ना? नहीं उपकरण तो उनको कोई डिजास्टर वगैरह की टीम को भी देना पड़ेगा, कोई एक्सपर्ट्स को देना पड़ेगा। आप लोग मदद करेंगे, साथ में रहेंगे, किसी को आप टूरिज्म के लिए खोलते हैं ना तो उसको सेफ्टी एंगल से भी देखना होगा, क्योंकि जैसे हम लोग तो कर लेंगे, एवरीबॉडी मेरा डू इट, तो उसका प्रॉपर बनाना पड़ेगा। महाकाली मंदिर आए और आज महाकालेश्वर नाम से एक गुफा जो प्रकाश में आई है, उसके बारे में आपने उसे दर्शन किए, कैसा लगा और क्या उसका विकास आप किसी तरह से होगा आपके समझ? देखिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ और स्थानीय हमारे युवक जिन्होंने इसको ढूंढा है और आपके माध्यम से जिससे ये खबर मुझे मिली, हम सब लोग यहाँ पे आए और इस बात पे चर्चा हुई, बल्कि एक सामूहिक रूप से चर्चा हुई कि जो पर्यटक गण हैं वो चौकड़ी जाते हैं, मुंशहरी जाते हैं, पाताल भुवनेश्वर भी बड़ी संख्या में आते हैं, तो यहाँ पे हम 2-3 एक्टिविटीज़ इस तरह की, भले ही वो केव टूरिज्म के नाम से हों, केव सर्किट के नाम से हों, कुछ हिमालयन ट्रैक्स हों, कुछ सनसेट पॉइंट्स हों, कुछ एक्टिविटीज़ हम जनरेट करें, तो यहाँ पे एक दिन का स्टे बड़े आराम से बढ़ सकता है। और ये सब ऐसी डेस्टिनेशन हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता है, सैचुरेट नहीं हुई हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे पर्यटक आना चाहेंगे, इस ओर हम प्रयास करेंगे। और यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी प्रारंभिक काम हो चुका है पैराग्लाइडिंग का, तो उसमें भी मैंने डीएम साहब से कहा है कि उसमें जो थोड़ा बहुत सिविल वर्क है अप्रोच का और उसके लैंडिंग का, उसको हम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें फंड्स का अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के 2-3 गतिविधियाँ अगर शुरू होती हैं तो निश्चित रूप से विकास होगा।